भाई आप लोग बता दो कहां से शुरू करी जाए, कहां से शुरू करूं, किस प्लेयर से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं भाई। 3-1 जिस टीम ने 8 मैच में 1 गोल खाया था भाई, बहुत सारी बातें करने को। एक ही मैच में 3 गोल खा लिए, एक ही मैच में टैक्टिकली, मेंटली, फिजिकली सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकली, जहां में वो कंपेरिजन नहीं दिखा रियाल और बार्सा में, फिजिकलिटी में भाई बहुत ऊपर है। ठीक है भाई, देखो बिफोर दिस मैच भाई एल क्लासिको पे जो कमेंट्स आ रहे थे प्लेयर्स के, रफीनिया के जो आ रहा था भाई, रफीनिया को खुद ही आंसर मिल गया हमें। भाई ऐसे कौन बोलता है भाई, ऐसे कौन बोलता है, जावी की बात कर रहा हूँ, रुको मैं बताता हूँ। रफीनिया की ये लाइन थी भाई बिफोर दिस मैच, वी आर लीग लीडर्स, इफ देयर इज समवन हु शुड बी केयरफुल इट्स रियल मैड्रिड भाई। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 डेफिनेटली, ही इज भाई वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेटली, जिस हिसाब से उस बंदे का करियर है, उसकी लाइंस आई भाई बिफोर मेरे को, जब रियाल के साथ खेलना होता है ना भाई, मैं वो 4 गोल्स याद कर लेता हूँ भाई, याद अच्छे से आए होंगे वो 4 गोल्स, क्योंकि जिस हिसाब से मिलिटाओ आपके साथ आज खेल रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे खेलूं। अभी भी मेरे को शायद ये कंफर्म करना पड़ेगा भाई, मिलिटाओ से छोड़ दिया है, पीछा छोड़ दिया तूने लेवनडॉस्की का, क्योंकि लेवनडॉस्की भाई, देखो आई एम नॉट हियर टू डिसरिस्पेक्ट एनी वन एनी प्लेयर, मैं कौन हूं भाई, बट द थिंग इज लेवनडॉस्की पूरे मैच में सिर्फ मेरे को एक चीज करते हुए दिख रहा था, कंप्लेंट्स करते हुए दिख रहा था भाई, यहां मार दिया, कोनी मार दी, आंख पे मार दी, मिलिटाओ नाम याद रखना भाई, इंक्लूडिंग मी, करता हूं बाद में। जावी ने भाई खुद ही आंसर दे दिया, रफीना को खुद ही आंसर दे दिया खुद ही, और बहुत शॉकिंग लाइन है भाई, आपके कोच से आ रही है, प्लेयर टूट गया होगा। रफीना को ये बोला गया है भाई, आई एम स्टार्टिंग टू डाउट इफ ही इज रियली अ ब्राजीलियन, मेरे को डाउट्स उठ रहे हैं, जावी की लाइन से मेरे को डाउट उठ रहे हैं, ये सही में ब्राजीलियन है भाई साहब। आप खुद ही रफीना वहां से आंसर दे रहे हैं, जावी खुद, वो क्या चल रहा है भाई, रियल मैड्रिड प्लेयर्स शांति से बैठते हैं, बात करनी है पिच पर, बात करो भाई, ये पीछे से बातें करनी है करते रहो, अभी भी करते रहो। ठीक है भाई, तो बात स्टार्ट करते हैं। भाई अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं भाई, इस फुटबॉल वर्ल्ड में भाई सबसे खतरनाक टीम कौन सी हो सकती है? आप शायद बोलोगे भाई अगर 11 के 11 बंदे वर्ल्ड क्लास हो ना, वो खतरनाक टीम है। नहीं, जब 11 के 11 बंदों को ये ही नहीं पता मैं कितना ज्यादा मेंटली कितना ज्यादा पागल हूं अपने क्लब के लिए, मेरे को यही नहीं पता भाई किस हद तक क्या लिमिट है। ये रियल मैड्रिड है भाई, आप वाल्वर्डे से उठाओ, आप रोड्रिगो भाई सीधा बैच पकड़ते हैं, एक गोल भाई आप पिच पर दिखता है, रोड्रिगो गोल बैच पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है, आप मिलिटाओ और उसको देखो लावा को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एक टैकल जीतते सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेंडी भाई रफीनिया कहां थे भाई, मेंडी खड़ा था आज मेंडी खड़ा था बार्सा का, आज अच्छा खासा एक टेस्ट हुआ है, बहुत अच्छा खासा। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा अगेन बहुत ज्यादा शौक हूँ जावी की स्टेटमेंट से भाई, मैं को बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है जब सामने वाला ओपोजिशन को जब कोई हार जाता है और ये बोलता है, कुछ एक्सक्यूजेस देता है, आज नहीं छोड़ूंगा एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई घास बहुत लंबी थी, घास बहुत ड्राई थी। भाई यार ये क्या चल रहा है यार, आप प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हो, आप क्या आप कहाँ खेलने आए हो यार, आपको क्या आपने आपके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली सब चीजें क्या हो रहे हैं। जावी की लाइन आ रही है भाई, वी डिडंट डिजर्व टू लूज टुडे। अरे भाई डेफिनेशन क्या है आपके, आपकी वो डेफिनेशन क्या है, वो डिजर्व कब करते हो आप हारना, मुझे वो डेफिनेशन जाननी है जावी से भाई। और क्या करेगी रियल मैड्रिड भाई, जो प्लान था वो सारा एग्जीक्यूट करके चले गए भाई। तो सबसे पहले भाई बात शुरू करते हैं रियल मैड्रिड से, बात शुरू करते हैं, वैसे शुरू तो बहुत कुछ हो चुका है, रियल मैड्रिड से शुरू करने वाला हूं भाई, इंक्लूडिंग मी भाई, जिसको भी डाउट्स रहते हैं, अगर कोई राइवल फैन देख रहा है, अगर कोई मैड्रिड फैन देख रहा है भाई, अब वो टाइम आ गया, डिजर्व करता है भाई मिलिटाओ को रिस्पेक्ट दे दो भाई, जो बंदा हकदार है दे दो भाई। बहुत ज्यादा ही फाड़ गेम था भाई, और ये मैं बोलता आ रहा था इंटर के टाइम से कि भाई लेवा यहाँ पकड़ा गया भाई, फ्रस्ट्रेट कैसे करा जा सकता है लेवा को, वो दिख रहा है स्क्रीनर ने दिखा दिया, और ये मैं नहीं बोल रहा पिच पे दिख रहा था, ये एनसीलॉटी ने कंफर्म कर दिया भाई, रोल दिया था मिलिटाओ को टू पुट प्रेशर ऑन लेवा, बात खत्म। भाई कैसे चिपक रखा था, कैसे हर वो जैसी लेवा पे बॉल आ रही है कैसे घुस रहा है उसके अंदर, कैसे उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कैसे उसकी जीना हराम कर दिया भाई, छोड़ दिया है मिलिटाओ, छोड़ दिया है तूने भी कि नहीं छोड़ा है, कहाँ है लेवनडॉस्की, कहाँ है। और भाई टू बी अग्रेसिव ऑन लेवा, तो ये सारी प्लानिंग थी प्लॉटिंग थी जो भाई बहुत ज्यादा बेहतरीन थी, और लेवा भाई इस मैच में बहुत बेकार खेला, बहुत बेकार दिखाई नहीं था भाई। ठीक है,
तो भाई अब टाइम आ चुका है, डिजर्व करता है रिस्पेक्ट भाई, वो दे दो भाई उस बंदे ने। रामोस बरान के जाने के बाद आपको टाइटल्स जितवाने लग गया पहली सीजन से, जब उसका डेब्यू जब स्टार्ट करने लगा भाई टाइटल्स, ला लीगा, यूसीएल, आप एटलेटिको मैड्रिड का परफॉर्मेंस देखो अगर शक है, आज की मैच देख लो अगर किसी को अभी भी शक है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 कहां है, जेब में। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात होगी क्रूज एंड मॉड्रिच पर। सबसे पहले भाई देखो इन पर कितनी बातें करें भाई, आप हर मैच ही सुन रहोगे क्रूज ने कर दिया, मॉड्रिच ने वो कर दिया, ये सुनते आ रहोगे, पता नहीं कब से 2014 से सुनते आ रहोगे भाई, पर अब भाई बहुत हाई टाइम आ चुका है मॉड्रिच को ये जाके बता दे कान में हल्के से, भाई तू 37 का है, तू 37 का है तेरे को पता है, तू 37 साल का है तेरे को पता है ये बात, तेरे को पता है जिस हिसाब से तू खेलता है यार, इतना प्रेसिंग कर रही है, प्रेस दे रहे हैं, बट भाई प्रेसिंग का कोई फायदा नहीं, प्रेस रेजिस्टेंट बंदे हैं, जिस हिसाब से वो बिल्डअप होता है ना अपना, पीछे से जो ट्रांजिशन होता है डिफेंस से, जो बॉल जाते हैं विनीशियस पर, रॉड्रिगो पर, किसी भी बॉल होती है बेंजिमा पर, आप सिर्फ इन दो की मूवमेंट और इन दोनों को देख रहा हूं उस टाइम पर, सिर्फ इन दोनों को, आप पहला ही गोल देख लो भाई, कैसे क्रूज कैसे वो टैकल सब कुछ ड्रिबल करके, पहला रोबोटो था फिर बुस्केट्स आया, और तब तक वो बॉल उस बंदे ने रिलीज नहीं करी जब तक उसको पता है, यहां से भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, जब पूरा परफेक्ट टाइम का वेट किया, बॉल निकाली थ्रू बॉल, और उस थ्रू बॉल ने ही सारा गेम पलट दिया भाई, खत्म। विनीशियस के आसपास भी कोई डिफेंडर नहीं था, ना कुंडे ना पांडे, कोई भी नहीं था भाई, कोई भी नहीं था, उस थ्रू बॉल ने इतना ज्यादा भाई हर्ट कर दिया था बार्सा के डिफेंस को, जैसा भी आया फर्स्ट टाइम फिनिश किया उसने बेंजेमा ने आया गोल, बट भाई मॉड्रिच ने ड्यूरिंग द गेम वहीं जाके वो क्रूज को जाके बोल रहा है, क्रूज को जाके बोल रहा है भाई कि भाई ये तेरा गोल है, दिस वाज योर गोल भाई और कुछ नहीं है, ये जो क्वालिटी थी पास की ये तेरा गोल है। ठीक है, तो भाई क्रूज मॉड्रिच भाई जितनी जब तक ये लोग फुटबॉल खेलेंगे बातें होती रहेंगी, क्रूज को बस इतना बता दे कोई भाई जिस हिसाब से तेरी फॉर्म है, जिस हिसाब से तेरे अंदर फुटबॉल बची हुई है भाई, बहुत फुटबॉल बची है, बहुत ज्यादा, अभी रिटायरमेंट नहीं बनती भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है इन दोनों प्लेयर्स का भाई रियल मैड्रिड पर। नेक्स्ट वाल वर्दे भाई, अच्छा वाल वर्दे शुरू करेंगे हम कार्लो एंसिलोटी से भाई, कार्लो एंसिलोटी यार किसी ने भी मेरे ख्याल से किसी ने आसपास सोचा भी नहीं होगा कार्लो एंसिलोटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है रियल मिलिट्री, और फ्यूचर में याद करा जाएगा भाई कार्लो एंसिलोटी, जिस हिसाब से इस बंदे ने विनीशियस को पूरा टर्न अराउंड किया, जिस हिसाब से इसने रोड्रिगो को पूरा टर्न, दिख रहा है रोड्रिगो, दिख रहा है जिस हिसाब से इसने वाल वर्दे अपना ये काम फिर पहले भी करता था, ऊपर नीचे वर्क रेट सब कुछ देता था, बट भाई जब इस बंदे ने कार्लो एंसिलोटी की परख है, कार्लो एंसिलोटी की वो टीम मैनेजमेंट है, मैन मैनेजमेंट है, अगर आपका कोच आपको आके ये बोल दे, आपने सुन रखी होगी लाइन में से, तेरे को भाई वालवर्दे तेरे को एटलीस्ट 10 गोल देने हैं, 10 गोल से नीचे नहीं, अगर तूने 10 गोल मेरे को नहीं दिए मैं अपना जो भी कोचिंग का जो लाइसेंस है वो फाड़ दूंगा और मैं अभी चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। ये कार्लो एंसिलोटी है भाई, ऐसी लाइंस भाई बहुत, आप खुद सोचो आपके बारे में अगर कोई ऐसा कोच बोले, अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर थे जरूर हो गए, कभी ना कभी खेलते जरूर हो गए, कोई ऐसा प्लेयर कोई आपका बड़ा कोई सीनियर प्लेयर ही बोल दे भाई कैसे वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। कार्लो एंसिलोटी भाई, डॉन कार्लो एंसिलोटी, तो भाई ये वो क्या ही गोल था, वो क्या ही पटाखा था, बहुत टाइम से मतलब वाल्वर्दे शूटिंग भाई एक अलग लेवल है, लुइस सुआरेस बोल रहा है भाई स्टीवन जेरार्ड वाली फीलिंग्स देता है भाई, वो क्या गोल था विनीशियस टू चुआमेनी, चुआमेनी टू मेंडी, मेंडी का वो जो पास था, आप वाल्वर्दे जैसे प्लेयर को जो पता है उसकी शूटिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है, बार्सा अगेन भाई वाल्वर्दे को आपने इतनी स्पेस कैसे दे दी भाई, इतनी स्पेस वाल्वर्दे को आप नहीं दे सकते भाई, नहीं दे सकते, मेंडी ने वो जो पास ढूंढ के निकाला, क्रेडिट जाते हैं मेंडी को भाई, क्या ही गोल था, क्या ही फाड़ गोल था, बुलेट भाई, रॉकेट भाई, बैंगर भाई, मजा आता वाल्वर्दे भाई, हम बहुत ज्यादा लकी है भाई रियल मैड्रिड फैंस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम बहुत लकी हैं भाई, क्रूज मॉड्रिच बेंजेमा जैसे प्लेयर, विनीशियस रोड्रिगो, पैशन पैशन भाई पैशन, सबसे खतरनाक टीम होती है जब 11 के 11 बंदे मरने को रेडी हैं, लिमिट नहीं पता है। मॉड्रिच अब आपको विनीशियस रोड्रिगो वाल्वर्दे इनसे दिखता होगा, पिच पर दिखता होगा, बट भाई मॉड्रिच क्रूज ये ऐसे बंदे, बेंजेमा आप बिहाइंड द सीन्स देखो, मॉड्रिच को देखो कैसे हर मैच के बाद, जीतने के बाद, इंपॉर्टेंट बिग मैचेस के बाद कैसे हर एक एक प्लेयर को जाके कन्फ्रंट करता है, उनके हक करता है सब कुछ, मतलब यार ये टीम बहुत अलग है, ये टीम बहुत अलग है, टैलेंट है भर भर के है, एक्सपीरियंस है भर भर के है, कार्लो जैसा बंदा है भाई भाई साहब। सो अब आ जाते हैं भाई
बारसा पे, अब आ जाते हैं बारसा पे, बारसा पे यार मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फ्रस्ट भाई, देखो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है फॉर दिस गाय भाई, अपना जावी भाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है जिस हिसाब से इसने बंदे ने टर्न अराउंड किया। जावी ने लपोर्ता के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, लपोर्ता भाई उनके ऑफिस में घुस रहा है, रूम में घुस रहा है, क्या हरकतें हो रही है, घास लंबी है, घास ड्राई है, रफीनिया कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, भाई क्या हो रहा है भाई। ये रियल मेड से मैंने कुछ सीखा ना सीखा हो, एक चीज सीख लिया भाई, एक चीज सीख लिया, काम डाउन, शांति से। बड़े जो लोग, देखो भाई गलत वे में मत लिख देना, जो बड़े लोग होते हैं ना वो ऐसी बातें नहीं करते भाई, ऐसी बातें नहीं करते। बहुत बड़ा क्लब है बार्सिलोना, बहुत बड़ा क्लब है, जिडान कार्लो एंचेलोटी भाई शांति से खड़े होते हैं, यूसीएल फाइनल भी जीत जाते हैं, शांति से खड़े होते हैं, शांति से चले जाते हैं भाई। ये लेवल है इस क्लब का, ये लेवल है, ये स्टैंडर्ड्स है। आप नहीं यार, कंप्लेंट्स नहीं भाई, कंप्लेंट्स नहीं भाई, क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा। ठीक है अगर मैं मेरे को देखो देखो मेरे को नहीं समझ आया, रफीनिया और डेम्बले भाई बहुत बहुत बेकार गेम लगी, बहुत ज्यादा बेकार गेम लगी। ये पॉइंट उठाना बहुत जरूरी था, अंशु फाटी एंड फेरान टोरेस जब आए भाई, जितना भी टाइम एक साथ खेले लगा भाई, लगा बार्सिलोना अब आ रही है अच्छा खेल रही है, चढ़ रही है अच्छा खेल रही है, वर्क रेट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। अंशु फाटी का वो रन भाई साहब क्या क्वालिटी रन था, वो पास वो सब कुछ। हाँ वहां मेंडी का, वहां मेंडी पे क्वेश्चन उठ सकते हैं भाई, उठेंगे डेफिनेटली, उठनी चाहिए। कैसे वो आपका फेरान टोरेस इतना खाली खड़ा हुआ, आप आगे खड़े उसके वो पीछे खड़ा हुआ आपके इतना खुले में, बस स्टिल भाई ओवरऑल 3-1 भाई, और क्या चाहिए। एक गोल खाया था पूरे लीग में, 3 गोल भर के वापस भेज दिया। दिस इज रियल मैड्रिड भाई, पहला टेस्ट था लीग का, पहला टेस्ट था लीग का बासा के लिए। तो भाई बहुत सारी बातें हैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आएगा, अगर मजा आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।